नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। जनवरी का पहला वीक, साल का पहला वीक, आप लगता है सभी ने एंजॉय किया होगा और सभी के लिए एक अच्छा वीक साबित हुआ होगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक, जो सेकंड वीक है, इसमें इस सप्ताह में डिफरेंट राशियों के लिए ये राशिफल कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ रतन है मुंगा, शुभ दाक्ष है तीन मुखी, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। यह सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान और पदोन्नति के लिए काफ़ी शुभकारी सिद्ध होगा। आपके अधिकारियों के साथ के संबंध मधुर होंगे। इस सप्ताह में आपको किसी की मदद से आपका जो पुराना रुका हुआ काम है, आपका वो काम सिद्ध हो सकता है। परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के प्रबल योग हैं। आप अपनी किसी ताकत को किसी अच्छे कार्य में लगाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह एक अच्छा समय है, जो जिसमें वो आगे फ्यूचर की जो हमारी योजना है उनको बनाने के लिए आप कार्यरत हो सकते हैं। शादीशुदा जोड़े और प्रेमी युगल को अपना वैवाहिक जीवन और रोमांच से भरपूर महसूस होगा और आप एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की कंपनी में एक मजबूत भरपूर पलों का आनंद ले सकेंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभ रतन है हीरा, शुभ रुद्राक्ष छह मुखी, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान आपके कार्य पे केंद्रित होगा। आपको कम मेहनत करने से अधिक परिणाम मिलने के इस सप्ताह में काफ़ी प्रबल योग हैं। आपके जो कर्मचारी हैं, आपके अधीन हैं, वो आपके लिए सहयोग करेंगे। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। किसी के साथ में कोई गलतफहमी ना पालें। जीवन साथी से इस सप्ताह आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार के सभी सदस्य भी आपको सहयोग देंगे। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से भी यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध रहेगा, बट आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लव लाइफ में किसी प्रकार की आपकी थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, तो यह सप्ताह रिश्तों के मामले में थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ रतन है पन्ना, शुभ दाक्ष चार मुखी, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। यह सप्ताह आपके लिए निवेश करने के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफ़ी संतोषजनक रहेगा। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी ये सप्ताह फ़ायदेमंद होगा, परंतु बिजनेस में करने वालों के लिए सप्ताह कुछ नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। प्रॉपर्टी शेयर बाज़ार में आपको निवेश करने में लाभदायक सिद्ध होगा। छात्रों को इस सप्ताह थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक स्तर पर आपको खुशियाँ हासिल होंगी, सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी से आपको अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, शुभ रतन है मोती, शुभ रुद्राक्ष दो मुखी, शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा। यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला साबित होगा, परंतु कार्य क्षेत्र में तब भी प्रगति बनी रहेगी। प्रमोशन, अच्छी जॉब, वेतन में बढ़ोतरी के भी इस सप्ताह में योग हैं। मान सम्मान में वृद्धि के भी योग हैं। आपको सप्ताह के बीच में, मिडिल में, आपको कहीं से अचानक ही धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य वीक में, पूरे वीक में ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा साबित होगा। परिवार से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, शुभ रतन है माणिक, शुभ दिशा, शुभ रुद्राक्ष एक मुखी, शुभ दिशा है पूर्व की दिशा। इस सप्ताह आपके लिए भाग्य आपके साथ में रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। नौकरी पेशा लोग अधिक व्यस्तता के कारण थोड़े से परेशान रहेंगे, परंतु आर्थिक उन्नति के प्रबल योग हैं। आपको बोलने से पहले, कोई भी हार्श वर्ड बोलने से पहले आपको अपने वर्ड्स को सोचना जरूरी है। छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत से परिपूर्ण होगा। अधिक मेहनत करने के लिए आपको बिल्कुल तत्पर रहना होगा। लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, परंतु वैवाहिक जीवन में प्यार और तकरार दोनों का आपको अनुभव होगा। परिवार के लोगों आपको खुश रखेंगे और घर में शांति के बने रहने के योग ज़्यादा प्रबल है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ रतन है पन्ना, शुभ दाक्ष चार मुखी, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह भाग्य आपके साथ रहेगा। सारी धन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी सभी चिंताएं दूर भी होंगी। सप्ताह आपको जो आपके रिलेशनशिप है उनको मजबूत करने के लिए और एक सतह तक लेके जाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा।
समय आपके अनुकूल है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। सेहत के हिसाब से भी सप्ताह आपके लिए सही रहेगा। आपको निवेश कार्यों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि बढ़ेगी। लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ दशा है छहमुखी, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए ये समय आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खर्च में आपके सावधानी बरतें, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स का ज़्यादा होने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक स्तर पर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के प्रबल योग हैं। छात्रों के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा मुश्किल भरा साबित होगा। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु लाभ कम होगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है। निजी लाइफ और लव लाइफ में थोड़ी सी गलतफहमियों के कारण आपके आपसी रिश्ते कमज़ोर होने की प्रबल संभावना है। विवाद से बच के रहना है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ रत्न है मूंगा, शुभ रुद्राक्ष है तीन मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह सितारे आपके साथ नहीं हैं। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसलों को यदि आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो उसे कुछ समय के लिए आप टाल दें। आप पर काम का बोझ अधिक है। काम की वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की भी आपकी प्रबल संभावना है। छात्रों के लिए यद्यपि यह सप्ताह थोड़ा संतोषजनक रहेगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। चाहकर भी आपके लव लाइफ में थोड़ी नीरसता रहेगी। आपको अपने स्पाउस के साथ बना के रखने के लिए सलाह देता हूँ। अब हम बात करेंगे धनुराशि के बारे में। धनुराशि के स्वामी हैं गुरु, शुभ रत्न है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पाँचमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को काम के सिलसिले में बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट जो जितनी मेहनत आप करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक नई पहचान भी मिलेगी। आपके जितने भी फैसले आप जो लेंगे वो आपके लिए कारगर साबित होंगे। गुस्से और आवेश पर आपको कंट्रोल रखने की सख्त ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति के साथ में आप विवाद में ना फंसें, संयम बना के रखना जरूरी है। परिवार में सभी चीज़ें सामान्य रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लव लाइफ में इस सप्ताह अगर आपके पहले वीक्स में यदि कोई आपके मतभेद थे तो वो इस सप्ताह सुलझने के काफ़ी प्रबल योग हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी हैं शनि, शुभ रत्न है नीलम, शुभ रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष और शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को निवेश करना अच्छा रहेगा। जो भी निवेश करेंगे वो आपको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। पैसे कमाने के आपको इस सप्ताह में काफ़ी नए नए अवसर प्राप्त होंगे। काम के सिलसिले में आपको ना चाह के भी यात्रा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एक अच्छा समय है जिसमें जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। लव लाइफ आपकी रोमांस से भरपूर रहेगी। पूरे सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। यदि आपको किसी को प्रपोज़ करना है तो ये एक बहुत अच्छा समय है प्रपोज़ करने के लिए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, शुभ रत्न है नीलम, शुभ रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह आप नए नए लोगों से मिलेंगे। बिजनेस के सिलसिले में, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आपके नए दोस्त भी बनेंगे, परंतु जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद होने की प्रबल संभावना है। परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कहीं पे आपको बिजनेस में लॉसेज का भी थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा, टाइम लग सकता है थोड़ा। छात्रों के लिए एक अच्छा समय है मेहनत करने के लिए। जितनी मेहनत करेंगे कामयाबी आपको डेफिनेटली हासिल होगी। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ का संबंधों में प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु, शुभ रत्न है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पाँचमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह आपको ज़्यादा आय की प्राप्ति के काफ़ी ज़्यादा प्रबल योग हैं। लंबी दूरी की यदि आप कोई व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी। किस्मत आपके साथ रहेगी। आपके नए लोगों से नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे। आय के नए साधन प्राप्त होंगे। पैसे की किसी भी एंगल से कोई समस्या आने की सप्ताह में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। विवादों से आपको बचना है।
थोड़े सी स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपको इस सप्ताह में सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, इस सप्ताह आसानी से उसके सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई प्रायोगिक परीक्षाओं के रिजल्ट भी आपके आने वाले हैं इस सप्ताह में, तो उनमें आपको ये सफलता प्राप्त होने के प्रबल योग हैं। पारिवारिक संबंधों में इस सप्ताह में आपकी प्रागढ़ता आएगी। मैं महागुरु आपको इस सप्ताह के लिए अच्छे जाने के लिए तहे दिल से कामना करता हूँ। विश यू ए न्यू वीक, हैप्पी न्यू वीक।